जैन, देखिए इसके पहले हम जो है कॉमन कैटेगरीज के बारे में और कार्टेशियन इक्वेशंस के बारे में जो है रिले बात जो है डिस्कस कर चुके थे, है ना। और इसमें जो है कई सारे रिलेशंस जो हमने प्रूव करवाए थे, ठीक। और उसके कुछ जो है इम्पोर्टेंट और कुछ जो है सब मतलब कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे, ठीक। आज हम उसी जो है बेस पर हम एक जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, अप्रोक्सीमेशन टू कैटेनरीज। अप्रोक्सीमेशन टू कैटेनरीज क्या होता है कि जैसे मान लो हमने कोई जो है स्ट्रिंग लिया, धागा लिया, है ना, थ्रेड कह सकते हैं, थ्रेड मीन्स भी धागा होता है, और उसको हम किसी जो है दो चीज़ों पर जो है हैंग कर दें, ठीक, तो हमारे एक कर्व के जो है शेप ले लेता है ना। और अगर हम उसको जो है मतलब स्ट्रेच करें, खींचें, स्ट्रेच मीन्स खींचना, है ना, तो मतलब हम उसको अगर खींचें तो इसमें जैसे इसको हमने खींचा तो ये हमारे एक जो है प्लेन का जो है शेप ले लेगा, मतलब ये एक प्लेन हो जाएगा, है ना। तो इसके अलग अलग जो है जगह पर इसकी माप अलग अलग भी हो सकती है, फिर वो जो है थ्रेड पर जो डिपेंड करता है, ठीक। तो हम आज जो है कुछ इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कि मतलब स्ट्रिंग को जो है हम अगर स्ट्रेच कर दें तो जो प्लेन हो जाती है, ठीक, और वर्टेक्स पर वो जो है क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। वर्टेक्स पर क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको जो है ऐसे जो है मतलब लिख सकते हैं कि इट इज द टाइटली स्ट्रेच, इट इज द टाइटली स्ट्रेच, ऐसे इट इज द टाइटली स्ट्रेच, ठीक। मतलब अगर हम इसको टाइटली खींचें ऐसे में स्ट्रिंग को, देन इट बिकम्स फ्लैट एट वर्टेक्स, ठीक, देन इट बिकम्स फ्लैट एट वर्टेक्स, ठीक। मतलब ये वर्टेक्स पर क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमने कार्टेशियन इक्वेशन पहले जो है मतलब पढ़ाए थे, और उसमें कार्टेशियन इक्वेशन में हमने बताया था कि वाई इज इक्वल टू जो हमारा होता है, ठीक, वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान सी, है ना, सी हाइपरबोलिक कॉस एक्स अपान सी ऐसे पढ़ा जाता है, लेकिन हम बोल देते हैं तो उस पर ध्यान न देना। आप लोगों को पहले हम डिस्कशन में बता चुके हैं कि किसे कैसे पढ़ा जाता है, और हमने इसमें से एक आपको फार्मूले बताए थे कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, कि ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स अपान टू, ये इसका जो क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक। और हमने इसमें बताया था कि जब हम स्ट्रिंग को जो है दो चीज़ों पर मान लो ऐसे हैंग कर देते हैं, ठीक, और ये इसका कोई पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, और इससे हमने एक टेंजेंट खींचा, और ये हमारा स्पैन होता है और ये हमारा सैग होता है, ये पॉइंट हमारा ए है, और ये इसका टेंशन टी नाट होता है, ठीक है, और इस पे अगर हम टेंशन खींचें तो ये इसका टेंशन टी है, ठीक। और इस पे हमने बताया थे कि जहाँ पर ये टेंशन मिलती है इस पर जो इसका वेट है, क्या है, वेट ओमेगा, और इसकी डिस्टेंस एस है, तो टोटल बेस इसका वेट ओमेगा एस हो जाता है, ठीक। ये हमने पिछले जो है लेक्चर्स में बताए थे, ठीक, और ये हमारे इसका क्या है, पॉइंट पी है, ठीक है। तो इस पर जो है हमने इसका मतलब ये हुआ कि पी पॉइंट पर जो टेंशन हम बनाते हैं वो टेंशन का एंगल जो होगा यक्स अक्ष से हो जाएगा, है ना, मतलब टेंशन से जो एंगल होगा वो एक्स एक्सिस से के अलांग बनेगा। जैसे मान लो ये हमारी है ना
टेंजेंट है, और ये डिस्टेंस उतनी ही दूरी पर होती जितना कि सी होता है। हमने बताया था कि टी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी, और ये सी मतलब ये होता है कि इसके इसके बीच की दूरी, और जितनी दूरी पर ये सी होता है उतनी देर दूरी पर इसके पैरेलल हम लाइन खींचते हैं, तो ये एंगल जो हमारा होगा एक्स एक्सिस के अलांग होगा, मतलब ये अगर साई है तो ये भी हमारा क्या होगा, साई होगा। ठीक है, हमने ऐसा बताया था। ठीक, तो मतलब इसमें ये कहा जाए कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर साई पर होगा, है ना, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर साई पर होगा, ठीक, यानी मतलब ये कह सकते हैं कि जब कोई स्ट्रेच, जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो काफी जो है मतलब कहने का मतलब फ्लैट हो जाएगी। जैसे हमने स्ट्रिंग लिया और उसको हमने स्ट्रेच किया तो काफी क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। ठीक है, और जब वो फ्लैट हो जाएगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ना वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, ये हमारा ए है यहाँ पर, है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो काफी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा तो वर्टेक्स ए का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो काफी जो है मैग्नीमाइज हो जाएगा, मतलब ए भी हमारा काफी ज्यादा हो जाएगा, मतलब अधिक हो जाएगा। ठीक है, इस इन बातों को जो है मतलब नोट करते जाना। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब हमारा वर्टेक्स ए का रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी मैग्नीमाइज हो जाएगा, है ना, तो इसमें हम जो है बताए हैं कि जो रो होता है ना वही हमारा इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो रो होता है वही हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। कहने का मतलब जो रो होगा ये भी एक प्रकार का जो है मतलब वाई होता है, और ये सी सेक स्क्वायर साई होगा, क्या होगा, सी सेक स्क्वायर साई। ठीक है, सी सेक स्क्वायर साई होगा। अब ये कैसे होगा, देखिए आपने एक रिलेशन पढ़ा है, ठीक, एक रिलेशन पढ़ा है एस इज इक्वल टू सी टेन साई पढ़ा है ना, एस इज इक्वल टू सी टेन साई। अब अगर हम इसका जो है डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू साई, किसके, विथ रिस्पेक्ट टू साई, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू साई तो ये हमारा क्या बनेगा, डी एस अपान डी साई इज इक्वल टू सी, तो कांस्टेंट है ना, तो सी तो रहेगा ही रहेगा, और टेन का जो है हम साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा सेक स्क्वायर क्या बनेगा, साई, और डी एस अपान डी साई या डेवर या एस अपान डेवर साई भी कह सकते, तो यही हमारा रो होता है, क्या होता है, रो, यही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बताता है, जिसे हम जो है क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हमारा रो के इक्वल होता है, तभी जा करके हमारा रो इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई बनेगा, जो कि हमारा ये फार्मूला होता है, किसका, ये फार्मूला हमारा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, जनरल पॉइंट पी पर टेंशन जो है एक्स एक्सिस से अगर एंगल ये साई हो, ठीक, तो इस प्रकार से हमारा रो के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, यदि कहें कि वर्टेक्स ए पर हमारा साई जीरो है, समझ रहे हो, यदि हम कहें कि वर्टेक्स ए पर, जो वर्टेक्स हमारा ए है, ध्यान से समझना, तो वर्टेक्स ए पर हम कहें कि साई हमारा क्या है, जीरो है, ध्यान रखना, साई हमारा क्या है, जीरो है, तो यहां से रो हमारा कितना होगा, सी सेक स्क्वायर जीरो रखेंगे, और आपने पढ़ा होगा कि टेन जीरो की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, और सेक जो जीरो की वैल्यू होती है वो वन होती है, क्या होती है, वन होती है। ठीक है,
और कॉस जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है? ये आप लोगों को जो है मालूम होना चाहिए, ठीक? तो यानी हमारा जो रो आएगा यहाँ पर वो क्या आएगा, रो इज इक्वल टू सी आ जाएगा, रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी, ठीक? नहीं, सेक कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो सेक जीरो की वैल्यू भी क्या होगी, वन होगी, ठीक है? ध्यान रखना। तो इसलिए यहाँ वन हो गया तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया, सी आ गया, ठीक? अब इसके बाद हमने बताया कि ए, अगर हमारा रेड ए का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो काफी मैक्सिमाइज होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी हमारा जो है वो भी काफी जो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब सी भी हमारा वेरी हाई हो जाएगा। यदि ए हमारा मैक्सिमाइज हो रहा है तो सी भी हमारा काफी क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा, और सी हमारा क्या हो जाएगा, काफी मैक्सिमाइज हो जाएगा। और इसके बाद जब हम स्ट्रेच करेंगे, है ना, जब हम स्ट्रेच करें क्या स्ट्रिंग को, ठीक, जब हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तब ये कंडीशन होती। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो है स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, वेरी हाई होगा, ठीक है? तो यक्स अपान सी वो हमारा वेरी स्मॉल होगा, ठीक है? समझ में आया? मतलब यदि हमारा सी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ध्यान रखना, यदि सी हमारा वेरी हाई है, बहुत बढ़ गया, तो जो इसमें एक्स अपान सी है वो क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। क्यों, देखिए, मान लो अगर आप यहां पर एक्स की वैल्यू क्या लेते हो, जीरो लेते हो, तो एक्स की वैल्यू जीरो लोगे तो ये क्या होगा, जीरो होगा। यदि सॉरी सी की वैल्यू जीरो लेते हो तो ये हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना, समझ में, इनफाइनाइट होगा। और अगर सी की वैल्यू यहाँ पर टू लेते हो तो कुछ जो है हद तक मतलब छोटा होगा। फिर इसके बाद जैसे सी 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 को बढ़ाते जाओगे वैसे ही मतलब वो क्या होता, और छोटा होता जाएगा, ऐसा नहीं। तो मतलब सी को बढ़ाने पर एक्स अपान सी हमारा क्या होगा, बहुत छोटा होता जाएगा, ठीक है? ये बात मैं यहाँ पर तुम्हें समझा रहा हूँ। और पावर, और जिसकी पावर होगी ना वो और क्या होती जाएंगी, मतलब बढ़ती जाएंगी, और जितनी ही मतलब जैसे इसकी पावर बढ़ती जाएंगी वो उतना ही मतलब क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, कहने का मतलब, ठीक है? तो इसलिए उसको हम फिर क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। मतलब कहने का कि ध्यान समझना कि हमने ये जो फार्मूला लिखा है तो इनका एक्सपेंशन आप सभी लोग जानते होंगे कि ई का जो एक्सपेंशन होता है ई के पावर एक्स का वो क्या होता है, वन प्लस एक्स अपान वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान थ्री फैक्टोरियल डॉट डॉट इनफाइनाइट, यही होता है ना। तो अगर हम ई के पावर एक्स अपान सी का जो है एक्सपेंशन करें तो वन प्लस, ठीक है, वन प्लस एक्स अपान सी अपान वन फैक्टोरियल और प्लस एक्स अपान सी का स्क्वायर अपान टू फैक्टोरियल प्लस एक्स अपान सी का क्यूब अपान थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, कहने का मतलब ये इसका जो है एक्सपेंशन होगा। इसी प्रकार यदि हम ई के पावर माइनस एक्स अपान सी का निकालें, है ना, तो मतलब कि जहाँ जहाँ एक्स अपान सी वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, माइनस एक्स अपान सी रखेंगे, तो ये हमारा वन माइनस एक्स अपान सी अपान वन फैक्टोरियल, अब यहाँ पर एक स्क्वायर तो प्लस ही रहेगा, एक्स अपान सी अपान टू फैक्टोरियल, यहाँ भी माइनस एक्स अपान सी का क्यूब अपान थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, मतलब ये जो है इनके क्या बनेंगे, एक्सपेंशन बनेंगे, ठीक है? अब देखिए इसमें आप
जितनी मतलब कहने का मतलब जितनी ज्यादा वैल्यू रखेंगे वो उतना ही जो है क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, है ना, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, तो पावर जितनी बढ़ाएंगे उतनी वो छोटी होती जाएगी, तो मतलब उसको फिर हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि यदि हम जो है इसको, ठीक, ध्यान समझना, मतलब हम यहां पर, ठीक, इस जगह पर y इज इक्वल टू c और e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x अपान c अपान अपान में 2 रखें और इनकी वैल्यूज हम ये एक्सपेंशन यहाँ पर रखें, तो y इज इक्वल टू 2 इसके डिवाइड में आएगा और ये बनेगा 1 प्लस x अपान 1 फैक्टोरियल प्लस x x अपान c है, ठीक है, और x अपान c का स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स अपान सी का क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल और डॉट डॉट इनफाइनाइट होगा और प्लस, ठीक है, ये ई के पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन रखें तो ये हमारा बनेगा 1 माइनस एक्स अपान सी अपान 1 फैक्टोरियल और प्लस एक्स अपान सी का स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स अपान सी का क्यू अपान 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है, ये इस प्रकार से मतलब बनेगा। तो पावर इसकी जितनी बढ़ेगी उतनी ही जो है वो छोटी हो जाएगी, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा समय आएगा कि वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो उस जो है हाईएस्ट जो पावर्स हैं उनको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास यह कह सकते हैं कि हमारे पास पहली बात तो ये और ये कैंसिल होंगे, है ना, ये और ये 8 पावर्स वाली सभी कैंसिल हो जाएंगी और इसके बाद बची जो है मतलब सम पावर्स वाली वो जितनी बढ़ेंगी उतनी ही मतलब छोटी हो जाएगी, उसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बचेगा, सी अपॉन टू बचेगा और देखिए 1 1 ऐड होगा तो 2 बचेगा, ठीक, 1 1 ऐड होगा तो 2 बचेगा एंड प्लस इसको यक्स अपान सी का स्क्वायर है और उधर यक्स अपान टू का स्क्वायर है, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, केवल ऑड पावर्स वाली कैंसिल होंगी ये। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर अपान 2c² जो है बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, और यहां पर इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर एक ये है एक ये, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो y इज इक्वल टू सी अपान 2 इंटू 2 कॉमन आया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2c² बना। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान क्या बनेगा, 2c² बनेगा, 2c² मतलब कहने का कि जो ये हमारी इक्वेशन आई है यही अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब लगभग, समझ रहे हो, अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है, लगभग, मतलब लगभग में हमारी वैल्यू ये आएगी, ठीक है, इसी को कहते हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ कट एंड रिज। मतलब अप्रोक्सीमेशन में अगर जो है कट एंड रिज का फार्मूला पूछा जाए तो हमारे पास ये होगा और यहाँ पर सी भी है, ठीक है, यानी वाई इज इक्वल सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉइंट 2c². तो ध्यान रखना ये पूछा जा सकता है PGT में। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप दैट समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट जो है देखेंगे, जब हम कट एंड रीच को स्ट्रेच कर देते हैं तब इसमें जो है तो हमारी जो मतलब ये इस फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, मतलब स्ट्रेच करने पर कट एंड रीच को
यानी ये कह सकते हैं थ्रेड को स्ट्रेच करने पर हमारे पास अप्रोक्सीमेशन जो इक्वेशन आएगी कट एंड एज की वो ये आएगी। ठीक, समझ में आया। इसके बाद अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कुछ जो है लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, सी एक्स स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर, सी से एक्स सी कैंसिल हो जाएगा और ये y इधर माइनस सी हो गया, उधर बचा एक्स स्क्वायर अपॉन टू सी, एक्स स्क्वायर अपॉन टू सी बचा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर उधर रहेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू सी इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये वाई माइनस सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाई माइनस सी। ठीक, और आप पढ़े होंगे हाइपरबोलिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, ऐसा कुछ पढ़ा होगा तुमने। इससे अगर कंपेयर कराओगे तो कुछ इस टाइप में देखेगी, तो यही हमारी जो है कॉमन कट एंड रेज की जो है अप्रोक्सीमेशन कट एंड रेज की हाइपरबोलिक इक्वेशन भी होती है, ध्यान रखना। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई माइनस सी, ठीक, ये इक्वेशन जो होगी हमारी जब हम स्ट्रेच कर देंगे, ठीक, तो वो हमारे कहने का मतलब कि वो एक पैराबोला की शेप ले लेगी, ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है, वो हमारी एक पैराबोला की शेप जो है ले लेगी। ठीक है, कौन सी? ये इक्वेशन, जब हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर देंगे तो ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक, जो इस शेप में जो है आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखें, तो इसमें जो वर्टेक्स होते हैं ना वो जीरो जीरो होते हैं, इस पैराबोलिक में वर्टेक्स हमारे क्या होंगे? जीरो जीरो होंगे। ठीक, लेकिन आपने एक और जो है मतलब पढ़ा है कि अगर वो कुछ एक्स माइनस एच का स्क्वायर है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर है और प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर है ना, या ऐसे कह सकते हो फोर ए वाई माइनस के, ऐसे फोर ए वाई माइनस के, ये भी एक पैराबोलिक इक्वेशन है, लेकिन इसके जो वर्टेक्स होंगे ना यहाँ से, तो क्या होंगे वर्टेक्स? वर्टेक्स इसके एच और के होंगे। क्या होंगे? एच और के। ठीक, तो अगर हम इसकी कंपेयर इससे कराएं, ठीक, इसकी कंपेयर हम इससे अगर कराएं, तो यहाँ पर एच इज इक्वल टू देखोगे तुम्हें क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो है ना, एच तो यहाँ है नहीं, तो एच इज इक्वल टू तुम्हें जीरो मिलेगा, ध्यान समझना। ठीक, अब हम इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, अब इधर देखना, ये सब नोट कर लेना और समझना। इसमें देखो, इससे कंपेयर करो तो एच तो इसमें है नहीं, तो एच इज इक्वल टू तुम्हें जीरो मिलेगा। ठीक, और अगर इससे कंपेयर कराओगे तो वाई इज इक्वल टू तुम्हें सी मिलेगा। क्या मिलेगा? सी। तो मतलब इससे कंपेयर करोगे तो के की जगह में क्या है? सी है, तो मतलब कह सकते हैं कि के इज इक्वल तुम्हें सी देखने को मिलेगा। ठीक, और ए इसमें जो मिलेगा ना ए, ठीक, तो ए जो हमारा मिलेगा वो यहाँ पर टू सी है। क्या है? टू सी। तो मतलब इससे कंपेयर करेंगे तो फोर ए हमारा टू सी के इक्वल है ना, फोर ए टू सी के इक्वल, इससे कंपेयर कराने पर तो ए जो हमारा आएगा वो टू सी अपॉन फोर, यानी टू टू, जब फोर ए की वैल्यू जो आएगी सी अपॉन टू आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? सी अपॉन टू। तो इस प्रकार से हमें यहाँ से ए जो है मिल गया। ठीक, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारे जो ये पैराबोलिक इक्वेशन है वो कुछ हमारा जो है इस टाइप्स में जो है बनेगा। ठीक, ये इस टाइप्स में बनेगा, और ये इसका मान लो फोकस है। क्या है ये फोकस? एस, इसको हम फोकस कहते हैं, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये सी बाई टू है। कितनी है? सी बाई टू। ये इसका वर्टेक्स है, और वर्टेक्स इसके मान लो कि जीरो और सी है। क्या है वर्टेक्स यहाँ पर? जीरो और सी वर्टेक्स। ठीक है, समझ लो, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी सी है। क्या है? सी है। तो इस कंडीशन में हमारे पास
जो फोकस यहाँ से बनेगा वो 3c/2 होगा, क्या होगा? फोकस जो होगा ठीक, यानी एस इज इक्वल टू जो हमारा बनेगा वो 0 और 3c/2 बनेगा, क्या बनेगा? 0 और 3c/2 होगा ठीक। समझ में आया? तो कैसे ये होगा? ये हमारा देखिए 0 है, x तो हमारा 0 रहेगा, और ये c/2 ही ये c है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा जो फोकस बनेगा वो हमारा 0, और इसको इसको c/2 और c को ऐड करो कितना होगा, c/2 + c, तो ये 2c + 2c/2 बनेगा, तो 2 1 मतलब 3c, 3c/2, तो जो पूरा फोकस बना इसका वो 3c/2 बनेगा ठीक। इंटर की मैथ पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है, ये सब वहां पर जो है NCERT में बताया गया ठीक। तो इस प्रकार से कॉमन कट एन रेज हमारी जो इक्वेशन होगी ठीक, वो हमारी x² इज इक्वल 2cy - c के शेप की होगी जब हम स्ट्रेच कर देंगे ठीक है। तो ये पूछा भी जाता है कि जब हम किसी स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर दें तो उसकी पैराबोलिक इक्वेशन जो है क्या होगी, तो ध्यान रखना x² = 2cy - c, और इसमें कह दिया जाएगा कि इसके जो फोकस होगी वो क्या बनेगी, तो 0 3c/2 होगी ठीक है, और उसकी अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन क्या होगी, तो y = c ठीक है, y = c 1 + x² / 2c², उसको जो ध्यान रखना भी पीछे हम मिटा दें, उसको रेज कर दिए हैं ध्यान देना ठीक है। तो इसमें से ये बातें कही गई। अब इसमें से तुमसे अगर इसका लेटेस्ट रेक्टम पूछे, क्या पूछे? लेटेस्ट रेक्टम, तो इसका लेटेस्ट रेक्टम जो होगा 2t, लेटेस्ट रेक्टम जो होगा इसका ध्यान रखना, ये सब पूछने वाली चीजें हैं बेसिक ठीक। लेटेस्ट रेक्टम इसका जो होगा ना, वो 2t0/ω, t0 = ω c होता है हाँ, तो 2t0/ω होगा, क्या होगा? ओमेगा, ध्यान रखना ये भी पूछा जाएगा, 2t0/ω लेटेस्ट रेक्टम इस हाइपरबोलिक क्वेश्चन के लिए जो हमने अभी लिखा था ठीक है, जो हमने रेज कर दिया इसके लिए ठीक। तो लेटेस्ट रेक्टम ये जो होता है जब पैराबोला की शेप ले लेता है, तब पैराबोला की शेप, अभी हमने क्या लिखा, x² = क्या लिखा, 4ay - c है ना, वो 2c है लिखा था ना, x² = 2cy - c ठीक है। तो जब पैराबोला की शेप ले लेता है स्ट्रेच करने पर, तब उसकी लेटेस्ट रेक्टम ये होगी, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि जब कोई स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने पर वो पैराबोलिक शेप ले लेता तो उसका जो लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, तो लेटेस्ट रेक्टम हमारा 2t0/ω होगा, और उसके फोकस क्या होगी, 0 3c/2 होगी ठीक है, ध्यान रखना इतना ठीक। तो इस प्रकार से जो है ये होता है। अब जैसे मान लो हमारे पास कॉमन कट एन रेज की इक्वेशन है ठीक, इतना समझ में आया? अब मान लो कॉमन कट एन रेज की इक्वेशन यही हमारे पास गिवेन है यही ठीक,
वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान सी। ये हमारी जो है कॉमन कट एंड रीच की इक्वेशन है और ये हमें दी हुई है। और इसमें कह दिया जाए कि कोई पॉइंट हमने पी लिया है ना, कोई पॉइंट हमने इसमें पी ले लिया, क्या ले लिया पी, ठीक। और वो पी हमारा जो है बहुत मतलब दूर है, यानी वेरी जो है फार मतलब बहुत दूर है कहने का मतलब, ठीक है। और वो पॉइंट हमारा जो है मतलब बहुत दूर है, ठीक। तो इस कंडीशन में जो यक्ष के यक्ष जो हमारा होगा ना वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, ध्यान रखना। इस कंडीशन में जो हमारा एक्स होगा, ठीक, एक्स वेरी लार्ज होगा, ध्यान रखना, ठीक है। यदि कोई हमने इसमें कहा कि कॉमन कैटेगरीज में इसमें कोई पी है एक्स वाई, उसको हमने बहुत दूर ले लिया, तो जो इस कंडीशन में हमारा एक्स होगा ना वो भी बहुत बड़ा होगा, समझाया। तो एक्स हमारा बहुत बड़ा होगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक, कि एक्स अपान सी, ठीक है, एक्स अपान सी जो हमारा होगा वो भी हमारा क्या होगा, बहुत बड़ा होगा भाई। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स अपान सी भी बढ़ेगा, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। और यक्स हमारा बड़ा होगा तो सी जो है छोटा होगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि e के पावर यक्स की वैल्यू जो होगी ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, एक्स पावर, ठीक, यानी e के पावर एक्स अपान सी हमारा जो है ये भी वेरी लार्ज होगा, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो हम इसको क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू सी e के पावर x अपान सी और प्लस e के पावर माइनस x अपान सी अपान टू, और इसमें हम कॉमन ले लें c अपान टू कर लें और इसको e के पावर x अपान सी लिखें, तो ये माइनस में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वन अपान e के पावर x अपान सी लिखेंगे, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा अगर इसमें x अपान सी जो पावर में है ये बहुत ज्यादा होगा, तो जितना इसमें जो है मतलब जितना ये ज्यादा होता जाएगा, ठीक, e के पावर x की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी, तो इसमें जो वन अपान e के पावर x अपान c है ना, ये हमारा जो क्या होगा, नहीं, बहुत स्मॉलेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल। अगर ये हमारा ज्यादा हो रहा है तो ये वन अपान ई की पावर एक्स अपान एक्स पावर सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक, ठीक। इसको हम जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारी जो ये इक्वेशन बनेगी, ठीक, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हमारी इक्वेशन जो बनेगी वाई इज इक्वल टू सी अपान टू ई के पावर एक्स अपान सी, क्योंकि ये हमारा जीरो हो जाएगा। ये इसकी एक्सपेंशन इक्वेशन होती है जब तुमसे क्वेश्चन में कह दे कि किसी कॉमन कट एंड रीज में, ठीक है, यदि कोई हमारा पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई है और उसको हम बहुत दूर ले लिया, ठीक है, तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा पूछेगा, तो वेरी लार्ज। अगर ये हमने दूर लिया तो एक्स हमारा क्या होगा, एंगल मतलब एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस होगी वो मतलब बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और एक्स के बड़े होने पर जो है ई के पावर एक्स अपान सी भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और एक्स अपान सी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये एक्स माइनस एक्स अपान सी बहुत कम हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ऐसी कंडीशन आएगी कि इसकी कंडीशन जो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और जब ये जीरो हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ई के पावर एक्स अपान सी, ये y इज इक्वल सी अपान टू ई के पावर एक्स अपान सी, यही हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी एक्सपेंशन इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है, कॉमन कट एंड रीज की, ठीक। तो ये जो है एक्सपेंशन फंक्शन बच गया जो, ठीक, तो कट एंड रीज हमारी मतलब इस फॉर्म में आ जाएगी, ध्यान रखना। जब हमारा पी बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो हमारे पास जो
कॉमन कटेन रेंज है या कटेन रेंज फंक्शन है वो इसका शेप ले लेगा, वाई इक्वल्स यू अपान टू ई की पावर एक्स अपान सी। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाए तो इनको जो है क्या करना है, ध्यान रखना है और नोट कर लेना है। भले तुम्हें बीच की बातें नहीं समझ में आती हूँ लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि इसको याद कर लेना, वैसे बहुत सिंपल है। क्या लिया, कॉमन कटेन रेंज लिया, इसका फार्मूला लिखा हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, ठीक है, और उसमें ए के पावर एक्स और ए के पावर माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन लगाया, तो जितने उसमें, क्योंकि अगर हमारा सी बढ़ रहा है तो एक्स अपान सी क्या होगा, बहुत कम होगा। जब एक्स अपान सी बहुत कम होगा तो जितना हम मतलब पावर ज़्यादा बढ़ती जाएगा उतना ही जो है एक्स अपान सी क्या होता है, छोटा होता जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन जो बनी है वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है, वाई इज इक्वल टू क्या बनी है, वाई इज इक्वल सी वन प्लस एक्स स्क्वायर अपान टू सी स्क्वायर, ठीक है, ये बनी है। और फिर इसके बाद हमने अगर उसको जो है मतलब अंदर सी का मल्टीप्लाई कर दी करा दिया तो वाई इज इक्वल टू वाई माइनस सी इज इक्वल टू टू सी और y माइनस सी, जो कि पैराबोलिक का शेप ले लिया। अब पैराबोलिक का शेप ले लिया, पैराबोलिक शेप लेने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि अगर हम उसमें जो है उसके पैराबोलिक शेप लेने के बाद उसके अगर लेटेस्ट रेक्टम पूछे तो लेटेस्ट रेक्टम उसका टी टू टी नाट अपान ओमेगा होगा, और अगर उसके फोकस पूछे यस तो उसकी फोकस जीरो और थ्री सी अपान टू होगी, ठीक है। और अगर हम एक्स को, ठीक, यानी अगर हम कॉमन कटेन रेंज में कोई पॉइंट बहुत दूर ले लें, अगर कोई पॉइंट हम बहुत दूर ले रहे हैं तो एक्स अपान सी भी हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और जब एक्स अपान सी हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ई के पावर माइनस एक्स अपान सी बहुत छोटा हो जाएगा, तो हमारे पास जो है कॉमन कटेन रेंज की एक एक्सपेंशन के फार्म में इक्वेशन बनेगी जो इसका शेप ले लेगी वाई इक्वल सी अपान टू ई पावर एक्स अपान सी। इस वीडियो में केवल सिर्फ इतना ही लेक्चर था जो हमने दो मिनट में पूरा डिस्कस कर दिया, ठीक, वो हमारा समझाने का तरीका था कैसे जो है मतलब उसे लाना है, कैसे जो है मतलब लेटेस्ट रेक्टम बनेगा और कैसे जो है उसकी फोकस बनेगी, कॉमन कटेन रेंज मतलब स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने पर कैसे जो है मतलब वो शेप ले लेगा, अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन क्या बनेगी, फिर उसको अगर मल्टीप्लाई कराएं तो उसका जो है हाइपरबोलिक पैराबोलिक इक्वेशन कैसा बनेगा, पैराबोला का शेप ले लेगा, फिर लेटेस्ट रेक्टम उसके जो है वर्टेक्स और उसके जो है क्या कहते हैं वर्टेक्स और लेटेस्ट रेक्टम और उसके जो है फोकस दूरी, ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया क्या कैसे होंगे, ठीक है, और उसमें एक्सपेंशन के फॉर्म में किस प्रकार से वो शेप ले लेगा वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो देखते रहिए वीडियो और जो बढ़िया से पढ़िए, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।